बिहार की एक कहावत आपने सुनी होगी, कहावत कहे या फिर एक्सपायरी डेट सरकारी स्कीम। आप खुद समझ लीजिएगा कि गैया भैंसिया चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए, लेकिन बिहार में वर्तमान में पहली पंक्ति ही सार्थक दिखती। सरकारी स्कूलों के बाहर गैया भैंसिया तो चरते दिखती है, लेकिन मुनिया बेटी पढ़ते नहीं दिखती। शिक्षा को लेकर 2005 के पहले जैसे हालात थे, कमोबेश आज भी वैसे ही है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार आपको बिहार की बदहाली की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन, बात चाहे किसी भी सरकारी विकास की, हम आपको जमीन की असली हकीकत दिखाते हैं। बीते दिनों JSTV की टीम ने पश्चिम चंपारण में सरकारी स्कूलों की बदहाली आपको दिखाई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे हालात सिर्फ बिहार के दूसरे जिलों में नहीं है, बल्कि खुद राजधानी में है। जी हाँ, राजधानी पटना, जहाँ से पूरे बिहार के विकास का खाका तैयार किया जाता है। देखिए, वहाँ लड़कियों की शिक्षा की बात करने वाले CM के सरकारी स्कूल के हालात क्या है, किस तरह से पढ़ाई को और आगे बढ़ाया जाए, लड़कियाँ कितना कम पढ़ती थी, और एक चीज का आकलन और अध्ययन करा कर हम लोगों ने कहा कि लोगों को पढ़ना चाहिए। सूबे के मुखिया लड़कियों की शिक्षा की बात करते हैं, बेटियों की पढ़ाई के लिए इंतजाम कराने के दम भरते हैं, और बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी हर सभा में अपनी ही पीठ थपथपाते नजर आते हैं। लेकिन आज जो बिहार में स्कूलों की स्थिति है, आपको वो हम दिखाने जा रहे हैं। उसकी हालत देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये हालत बिहार की राजधानी पटना की है, पटना के बालिका उच्च विद्यालय, जिसकी बदहाली देखकर खुद CM भी सोच में पड़ जाएंगे। बाकी समस्याएं बाद में, सबसे पहले आपको बाहर का नजारा ही दिखाई देते हैं। कौन कहेगा कि राजधानी में बसा ये स्कूल है, ये स्कूल भवन कम, जल जमाव का गटर ज्यादा लगता है। देखिए कि यहाँ पूरे ओसारे में किस तरह से पानी भरा हुआ है, जो गंदगी का परिचय तो दे ही रहा है, बीमारियों को दावत भी दे रहा है। और इसी भद्दे विकास के नाम पर स्कूल में गरीब छात्राओं से विकास शुल्क वसूला जा रहा है। 420 है और ले रहे हैं 800 और कहते हैं कि अनुपस्थित तुम लोग हमेशा स्कूल नहीं आती, उसका हम लोग 420 ले रहे हैं। बच्चों की शिकायतों की लिस्ट थोड़ा लंबी है, हम क्या गिनाएं, आप खुद सुन लीजिए। 320 है और ले रहे हैं 800 और कहते हैं कि अनुपस्थित तुम लोग हमेशा स्कूल नहीं आती, उसका हम लोग 420 ले रहे हैं। हम लोग टीचर भी पढ़ाने नहीं आते हैं, सिर्फ दो टीचर आते हैं पढ़ाने, और हम लोग के प्रधानाध्यापक भी नहीं है। प्रधानाध्यापक तो शिक्षित होना चाहिए, वो तो एक शिक्षित नहीं है। अगर वो खुद शिक्षित नहीं है तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, सबके वो गाली कलोज करते रहते हैं। हां, क्या हम लोग, हम 9th क्लास की लड़की लोगों को कहते हैं कि लड़के के साथ चलते, किसी और के साथ चलती है तो सुविधा तो है नहीं। शिक्षा देने वाली महिला प्रिंसिपल भी अभद्र व्यवहार करती है, अभद्र भाषा नहीं प्रयोग करते हैं लोग, गलत है, हम पर आरोप लगाया जा रहा है, अभद्र क्यों करेंगे, वो बेटी मेरा नहीं है, मेरा बेटी है, 4:10 से 4 बजे मेरा बेटी है, ये अभद्र करवा रहा है। अब अभी अभद्र व्यवहार नहीं कर रहा है, 4:10 से 4 बजे तक मेरा वो बेटी है, अब बेटी ऐसा उसको 3 बजे तक, जब तक मेरा स्कूल में रहेगा जब तक मेरा वो बेटी है। कैमरे पर तो छात्राओं को बेटियां बता रही हैं, कैमरा हटते ही मारपीट के भी आरोप लग रहे हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसे ही बेटियों की शिक्षा होनी है तो विकास का दावा क्यों। अगर आप भी मानते हैं कि सरकार बदलने से जंगल राज खत्म हो गया है, तो आप जान लीजिए कि अफसर शाही राज भी आपको महंगा पड़ेगा। अभी आपके हाथ में है कि आप विकास के दावों को सच मानते हैं या फिर सच की तह तक जाते हैं। ग्राउंड से दिखाई गई तस्वीरें अगर काफी न हो तो खुद निकलिए पड़ताल करने के लिए। आपकी सरकार, आपके प्रतिनिधि वाकई विकास कर रहे हैं या सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे हैं।